एक हमारी आसूचना की टीम लोकल थाने की और दिल्ली सरकार से जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक टीम टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की, इनको एक सूचना प्राप्त हो रही थी कि यहाँ पे एक कॉल सेंटर चल रहा है जिसमें जो है वो तत्काल आज छापेमारी की गई है। इसमें दो नाम प्रकाश में आए हैं जो कंपनी के डायरेक्टर हैं, एक बासित और एक करमिलाही। इनके द्वारा जो है वो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल के थ्रू कॉल जनरेट कराई जाती थी और हमारे यहाँ जो है डिफरेंट लोकेशंस में कॉल भेजी जाती थी, जिसमें DOT की टीम जो है वो वॉच कर रही थी। उसी क्रम में जो है वो आज इनसे पूछताछ चल रही है और अभी फर्दर जो है वो ये भी जानकारी मिल रही है कि इसमें गवर्नमेंट को काफ़ी रेवेन्यू लॉस हो रहा था और उसी क्रम में जो है अभी बातचीत चल रही है और फर्दर जो भी डिटेल निकल के आएगी आपसे शेयर की जाएगी। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है यहाँ पर? अभी जो है वो करमिलाही से पूछताछ चल रही है और इसमें एक और शख्स है बासित, उनसे भी जो है वो बातचीत की जाएगी। बासित यहाँ पर नहीं है, उनको जो है वो लोकेशन ट्रेस करके बात की जाएगी। सर, ये कहा जा रहा है कि राजस्व को नुकसान कर रहा है ये, DOT की टीम जो है असेसमेंट कर रही है। लगभग जो है वो 20 लाख से ऊपर का पर डे का नुकसान ये लोग कर रहे थे, क्योंकि वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल के थ्रू बाहर से कॉल जनरेट करा करके यहाँ लोकल नंबर्स के थ्रू भेज रहे थे, तो उसमें जो है एक निश्चित लेवल पे राजस्व की नुकसान हो रही थी। उसी क्रम में जो है ये टीम आज यहाँ आई भी थी, तो उसकी फर्दर डिटेल जो है वो DOT की टीम हमसे साझा करेगी, तो हम आपको जो है वो सर, यहाँ की टीम से विदेशों में भी कॉलिंग की गई थी? नहीं, ये बाहर से कॉल यहाँ जनरेट हो रही थी और फिर जो है वो लोकल लेवल पे जा रही थी। किसी एक्टिविटी मतलब आतंकवादी से जुड़े हुए आपको तो अभी हर एंगल पे हम लोग जांच कर रहे हैं, अभी उस पर जो है वो तुरंत कुछ नहीं कहा जा सकता, बट ये है कि सारी कॉल्स का इन्वेस्ट ATS और नोएडा पुलिस की संयुक्त टीम ने नोएडा सेक्टर 63 के H ब्लॉक में छापेमारी करी है। मैं इस वक्त उसी बिल्डिंग के ठीक सामने खड़ा हूँ जहाँ पर छापेमारी हुई है। आपको बता दें कि नोएडा और ATS की टीम ने इस बिल्डिंग में एक ऑफिस बना हुआ था जहां पर जम्मू कश्मीर के लोग कार्य कर रहे थे और यहां पर बताया जा रहा है जम्मू कश्मीर से रिलेटेड ग्रोसरी को के बारे में लोगों को इंटरनेट कॉलिंग के माध्यम से ही उनको सूचना दी जा रही थी। इसकी जानकारी ATS को लगातार दिल्ली ATS को मिल रही थी। इसी पर छापामारी करते हुए नोएडा पुलिस और ATS की टीम ने छापेमारी करी है। बताया जा रहा है 7 लोगों को यहाँ जो काम कर रहे थे उनको हिरासत में लिया गया है, साथ ही जो मालिक था जम्मू कश्मीर से है और उसको भी हिरासत में लिया गया। फिलहाल इन सभी से पूछताछ की जा रही है। अभी जो लोग हैं जो अंदर काम करते हैं उन सभी को हिरासत में लेकर अंदर ही पूछताछ की जा रही है। फिलहाल पुलिस ने अभी अपनी तरफ से कोई भी बयान जारी नहीं किया, लेकिन सूत्रों के अनुसार यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर की ग्रोसरी थी उसको उसका ऐप बनाकर उसको बेचा जा रहा था और इंटरनेट कॉलिंग के माध्यम से ही किसी को भी कॉल की जा रही थी। ये सबसे बड़ा संदिग्ध मामला पुलिस को नज़र आया, इसी को लेकर उन्होंने यहाँ पर छापेमारी करी है। अंशुमन यादव, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, नोएडा।